अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग मोस्ट अवेटेड कलेक्शन, दैट इज मुश्क लग्जरी कलेक्शन। मुश्क अशफान कलेक्शन है और आई डोंट नो विच कोड वी हैव। इनफैक्ट कोड जो है वो मेंशन होंगे साइट पर। ओके, सो वी हैव दिस कोड। कोड का नाम नहीं लिखा, 07 है और इसकी प्राइजेस जो हैं, प्राइजेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी। काइंडली डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करें। इस वक्त इनके ऊपर प्राइजेस नहीं लिखी होती तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होता, लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन से प्राइस जरूर मेंशन करते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, मुश्क का एक तो ये कि जिस तरह पिक्चर में कलर दिख रहा है, कलर इसका बिल्कुल वैसे ही है। लाइम येलो कलर का ड्रेस है, बड़ा खूबसूरत कलर है। लेकिन ये जो फैब्रिक है, ये ट्राउज़र का फैब्रिक है और 2.5 गज ही कपड़ा है ये, इससे ज़्यादा नहीं है। इन्होंने भी प्रेस जो किया हुआ है तो मतलब नॉर्मल फ्लेयर होगा इसका। उसके बाद ये इसका शिफॉन है जो कि इसके पूरे फ्लेयर का है। फ्रंट बैक के लिए है ये, डबल किया हुआ मैंने, बॉर्डर इसके ऊपर बना हुआ है और काम जो है इसका काफ़ी खूबसूरत है। शिफॉन की क्वालिटी जो है ये एवरेज क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी नहीं है, ना ही ये प्योर है। पाकिस्तानी फैब्रिक है बट नॉट वेरी बैड। तो लेकिन ये कलर बिल्कुल पिक्चर की तरह दिख रहा है। उन्होंने जो लाइनिंग का कपड़ा दिया हुआ है वो ये ग्रिप दिया हुआ है, जो कि ये लोग हमेशा कॉटन नेट के सूट्स के साथ भी प्रोवाइड करते हैं, बट ये बिल्कुल यूजलेस होता है। शिफॉन के सूट्स के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बट ये मेरी मेरा ओपिनियन है, लोगों की जो है वो अपनी मर्जी है। ये दिया हुआ है और ये 2.5 गज ही है, तो उसमें 2.5 गज में जिस तरह ये फ्लेयर वाला ड्रेस लगा हुआ है, उस बना हुआ है उसमें, तो ये एक तो पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा हो जाए, और दूसरा ये कि इस फैब्रिक के लिए, शिफॉन के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये लॉन के सूट्स के लिए ठीक है। तो ये फ्रंट बैक का इसका फैब्रिक हो गया, इसके अंदर पैनल आएंगे या चुन आएगी तो उससे जो है ये काफ़ी अच्छा फ्लेयर हो जाएगा इसका, क्योंकि कपड़ा जो है वो काफ़ी है। उसके बाद है मुश्क वालों ने मोस्टली जो है वो चीज़ें सारी प्रोवाइड की होती हैं, बस ये होता है कि हमें वो लेना पड़ता है। लाइनिंग जो उनकी प्रोवाइड की हुई होती है वो यूज़ करने के काबिल नहीं होती। अच्छा, शिफॉन फैब्रिक का ड्रेस है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक की बॉडी है। उसमें बॉडी में प्लस पॉइंट ये है कि ये जैसे 15 इंचेस एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 15 इंचेस से ज़्यादा तो बॉडी रखते भी नहीं है, बहुत लंबी हो जाती है, तो ये इन्होंने आराम से दिया हुआ, इतना जो है आराम से हो जाएगा। और चौड़ाई में भी लार्ज साइज मेरे ख्याल हो जाएगा, उससे ज़्यादा शायद पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कि साइड पर फिर कपड़ा भी कटा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल 22 इंचेस तक तकरीबन चेस्ट हो जाएगी, मेरा जस्ट रफ आइडिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो है काम काफ़ी खूबसूरत हुआ है, पर्ल्स की सारी एम्बेलिशमेंट है, देन ये नक्शी है, पूरा हैंडवर्क है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी खूबसूरत है। मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वो इसके कलर की वजह से अच्छा लग रहा है कि कलर इसका बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद इसका ऑर्गेन्जा का बैक है, यहाँ बिल्कुल प्लेन ऑर्गेन्जा दिया हुआ है। अब इस देखने की कोई मोटिव वगैरह कुछ है कि नहीं, वो बात ही कहानी है। और ये फैब्रिक जो है, क्योंकि इन्होंने अच्छा इसका जो वो है इसकी जो वो दिया होता है, अच्छा स्लीव्स का ये फैब्रिक है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, अक्सर ड्रेसेस में इस तरह से जो ये होल्स किए होते हैं, ये जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं इसमें सारे होल्स हुए हैं, लेकिन ये होल इसमें नहीं हुए हुए और इसमें बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना करीब है, ये सब जो है एप्लिक से करना पॉसिबल ही नहीं हमारे पास। तो जब भी इस तरह का कोई ऑप्शन आया, कई दफ़ा डिज़ाइनर ने किया होता है, तो वो इस तरह के होल्स इतने करीब 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 पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जब भी इसका ऑप्शन आया वो इतना मुश्किल होता है और ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली पड़ेगा, कभी किया नहीं है तो फिर हम लोग कभी भी नहीं करवाते। तो ना ही बॉडीज पर इस तरह होल्स हुए हुए, उन्होंने जो है ये सारा सा कपड़ा निकाल लिया एप्लिक से, जिस तरह से स्टिच किया हुआ, तो इसमें जो है जो प्रोवाइड किया हुआ है वो पूरा 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 है और होल्स नहीं है इसके अंदर। अब डिपेंड ऑन यू कि कौन इतना ज़्यादा जिसके पास टाइम है कि वो ये करवाए, मेरे ख्याल है बहुत ही वो होगा। और बैक का कोई ऑप्शन, बैक का कोई मोटिव अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा। उसके बाद ये है इसका हैंड एम्बेलिश्ड बॉर्डर एक और, जिसके ऊपर जो है सारे पर्ल्स ही टचिंग हुई है, दामन का बॉर्डर है ये और इसका भी काफ़ी सारा फ्लेयर है। और ये तकरीबन 50 इंचेस वन साइड है फ्लेयर, दामन का बॉर्डर है, इसमें जो भी स्टाइल स्टिच करना हो फिर उस हिसाब से जो है इस पर हो जाएगा। और बैक का मुझे कोई मोटिव जो है वो दिख नहीं रहा, बैक की कोई पिक्चर इनफैक्ट है ही नहीं इसके अंदर ना। तो ये दामन का इसका बॉर्डर है पूरा, लेकिन तकरीबन 45 टू 50 इंचेस जो है इसका
बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद ये एक बॉर्डर है जो मुझे कहीं और दिख नहीं रहा, तो आई डोंट नो कि कहाँ है मे बी। अच्छा जी, ये पट्टी जो है ये बैक के लिए है, इसमें इन्होंने जो है इस तरह से स्टाइल बनाया हुआ है कि इसको बैक पर पूरा वी टाइप का गला बनाया हुआ है, और फिर इसके साथ एक टसल भी दिया हुआ है, हैंडमेड टसल है ये। ये एक टसल है और ये एक लेस है जो कि हालांकि ये क्रोशिया लेस है जो कि इन्होंने इस वाले बॉर्डर के नीचे लगाई हुई है। ये पूरी एप्लिक होगी तो जितने की ये लेस नहीं होती उससे ज़्यादा ये एप्लिक हो जाता है, क्योंकि कटवर्क है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लग नहीं सकता। लेकिन बैक के लिए ये मोटिव और ये वाली लेस दी हुई है, तो बैक पर बाकी वो मतलब प्लेन नहीं रहेगा। और ये वाला बॉर्डर जो है इन्होंने लिखा हुआ कि सिर्फ फ्रंट के लिए, लेकिन ये फ्रंट बैक का है। बॉर्डिस हो गई लाइनिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये पर्ल्स भी दिए हुए जो कि आई डोंट नो इन्होंने कहाँ लगाए हैं क्योंकि कहीं नज़र नहीं आ रहे। और इसके बाद है इसका नेट का दुपट्टा, नेट का दुपट्टा है, शिफॉन का ड्रेस है और गेंजा की बॉडी है। अच्छा जी, दुपट्टे पर ये है कि इस तरह से लॉन्ग साइड पे बॉर्डर बना हुआ है, पल्लू पर कोई बॉर्डर नहीं है, और इसके ऊपर जो है पर्ल की एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, लेकिन पर्ल जो है वो अच्छे वाले हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है वो लाइट वेट वाले जो बिल्कुल प्लास्टिक के पर्ल आते हैं वो नहीं, अच्छे पर्ल्स हैं। और थोड़ा सा कलर्स में, ड्रेस के कलर में और दुपट्टे के कलर में थोड़ा सा फर्क है, वो तो फैब्रिक का भी फर्क आता है, लेकिन दुपट्टा जो है वो लॉन्ग साइड पे कटवर्क होगा तो एप्लिक का काम है इसका। और बाकी ये कि जिस स्टाइल, क्योंकि मेरे सामने यही वाली पिक्चर है, मैं इसी को देख रही हूँ कि किस तरह से स्टिच होगा। अच्छा, पर्ल्स नजर आ गया मुझे, ये जो पर्ल दिए उन्होंने, ये बैक पर पर्ल की लड़ी बनाकर उन्होंने फिर इस टसल को जो है वो टांगा हुआ। तो दैट्स इट। ग्रिप का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्रिप का बॉर्डर जो है, लाइनिंग जो है प्रोवाइड की हुई है, बट इस ड्रेस के लिए सूटेबल नहीं होती, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये कि प्रोवाइड सारी चीज़ें की हुई हैं, जस्ट स्टिच होना है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस, कलर बड़ा खूबसूरत है और प्राइजेस भी रीजनेबल हैं। प्राइस डिस्क्रिप्शन में आपको लाजमी मिल जाएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।